তারপরে যাহা থে ইন্ডো প্লাজমিক রেটিকুলাম কি আর মেথে কাল বাতারে থে গুরুতর কে হতে ইন্ডো প্লাজমিক রেটিকুলাম ये एक सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग बोले थे इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंगुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इट इज ऑफ टू टाइप्स, রাফ ইন্ডো প্লাজমিক তুলা দু নম্বর টু টাইপস স্মুথ কা অপোজিট হোতা হ্যায় স্মুথ এই রাফ কা অপোজিট হোতা হ্যায় স্মুথ आर ई आर, इसको क्या बोलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोलते हैं ई आर। तो इसमें ई आर में आर डाल दो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राफ लिखी हुई है आर डाल दो, इसमें इसमें स्मूथ है, इसमें एस डाल दो, ये आर ई आर हो गया, आर एस ई आर हो गया। ये आर ई आर जो है आर ई आर इसका फंक्शन देखो, आर ई आर कल हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन में हम बोले थे क्या जी, इट इज इट फंक्शंस, इट फंक्शंस मतलब ये फंक्शन करती है एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन भी बनाती है और लिपिड बनाने में मदद करती है, प्रोटीन बनाने में और लिपिड बनाने में कैसे क्या होता है। आर ई आर इज विथ राइबोसोम, एसीआर इज विथ द ऑपोजिट विदाउट राइबोसोम। इसका फंक्शन है ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, सिंथेसाइजेस आरईआर विथ राइबोसोम सिंथेसाइजेस प्रोटीन। एक्चुअली हम लोग जानते हैं राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी राइबोसोम क्या है हम लोग किसी कनेक्टिव लिंक है देखो, एक सिंगल ये आरईआर जो है ये विथ राइबोसोम से है, राइबोसोम जो है इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके साथ जो साथी भी है लगी हुई है वो जो है वो फंक्शंस करते हैं, फंक्शंस एज द साइट ऑफ प्रोटीन तो एज द प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस। मूल जो है एसीआर विदाउट राइबोसोम है, ये जो है एसीआर विदाउट राइबोसोम, जो राइबोसोम नहीं है वो क्या सिंथेसाइज करती है लिपिड्स में, मतलब क्या आता है इसमें, इसमें फैटोडी आता है, ठीक है, लिपिड्स में मतलब इसमें फैट आता है, ऑयल
क्या जरूरी है ऐसा प्रैक्टिकल? देखो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल का सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे क्या है बाय फॉस्फोलिपिड बाइलियर, याद रखना फॉस्फोलिपिड बाइलियर, फॉस्फोरस और लिपिड के साथ मिली हुई है, उसमें फॉस्फोलिपिड सेल का जो है बाइलियर है सेल मेम्ब्रेन, और उसमें इंटेंसिक और एक्सटेंसिक प्रोटीन है इसमें, तो सेल में अंदर में भी जो प्रोटीन है प्रोटोप्लाज्म है, प्लस उसका मेम्ब्रेन बनाती है, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड उसका बाइलियर होती है, डबल लेयर फॉस्फोलिपिड जिसमें फॉस्फोरस लिपिड के साथ फैट के साथ ऑयल के साथ मिली हुई ऑयल के साथ बाहर का घेरा डबल लेयर, और उसमें अंदर से बाहर प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन जो है इधर उधर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे उसमें सेल का एक जो साइटोसिस दो साइटोसिस पढ़े थे, और स्पेशल ट्रांसपोर्ट करती है ना मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, शुगर का सॉल्ट का कुछ का जो है वो प्रोटीन करती है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, याद रखना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आलिया एशिया आलिया राइबोसोम सिंथेसाइजेस प्रोटीन एशिया विदाउट राइबोसोम दैट सिंथेसाइजेस लिपिड्स। अब हम लोग इसमें जाएंगे कनेक्टिविटी, सेलुलर ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल राइबोसोम, राइबोसोम जो है ये ग्रेनी सब्सटेंस है, ग्रेनी हम लिखा है ग्रेनी, ग्रेनी का मतलब क्या हो गया इट इज जी आर ए आई एन ग्रेनी, ग्रेन मतलब देखो ग्रेन क्या होता है, देखो ये सब्सटेंस है उसमें इस तरह करके ग्रेन है, देख रहे हो दिस इज ग्रेन दाना है, तो उसको क्या करो ग्रेनी, दिस इज ग्रेनी सब्सटेंस, तुम लोग को समझ में नहीं आया था इसीलिए हम एक एक तो वर्ड का भी मान बोलते हैं। दिस ग्रेनी सब्सटेंस राइबोसोम प्लूरल नंबर है, दिस आर ये प्लूरल नंबर है, दिस आर ग्रेनी सब्सटेंस, इसमें क्या क्या है, इसमें आरएनए है एंड प्रोटीन है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करती है तो बात जाहिर है उसके अंदर प्रोटीन होंगे, क्या है आरएनए, आरएनए का आरएनए का हम लोग पढ़े ना डीएनए आरएनए, डीएनए जो है डीएनए का फंक्शन क्या है दैट ट्रांसमिट बेयर्स द हेरिडिटी कोड, हेरिडिटिकल ट्रांसमिशन करती है, हेरिडिटी कैरेक्टर जो है वो होती है कैरेक्टर की है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वो ट्रांसमिट करती है, आरएनए का फंक्शन क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इन दोनों का काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस जो है करती है आरएनए, तो जाहिर है इसके अंदर में ये ग्रेनी सब्सटेंस जो है ये प्रोटीन की बनी हुई है और आरएनए है दोनों है, और ये जो है राइबोसोम किसके साथ है, हम लोग पढ़े हैं आरिया के
अटैच टू बी, ये जो अटैच टू बी चलाता है आरिया आरिया। अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसका दो टाइप, टू टाइप में जो है आरिया रॉक वाले के साथ जो है वो राइबोसोम एसोसिएटेड है, अटैच है, और उसका फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये अटैच टू आरिया आरिया के साथ चलाता है। तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम टार्जिया जाते हैं साइट ऑफ इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कब प्रोटीन सिंथेसिस करती है वो जब अटैच करता है अटैच आरिया आरिया बी का दोनों मिल करके फंक्शन करते प्रोटीन बनाने में मदद करती है। राइबोसोम तुम लोग समझ लिए हो, ये जो है दो चार टर्म का मीनिंग समझ लो, दोनों टर्म का मीनिंग। ये जो अंदर का सब्सटेंस है ये राइबोसोम को दिखा रहे हैं, एक तो राइबोसोम जो राइबोसोम है हम यहाँ पर एक तो राइबोसोम दिखा रहे हैं, ये सब्सटेंस है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आरिया है, इसका जो ग्राउंड मैटर है दिस इज ऑफ टू टाइप, एक एक्वास एक्वास सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एक्वास के सॉल्यूशन होती है, व्हाट इज सॉल्यूशन सीधा वन सॉल्यूशन इज इज मेड अप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया जो घुल जाती है, सॉल्वेंट में घुल जाती है, घुल के क्या हो गया सॉल्यूशन बन गया। तो साइटोप्लाज्म में जो एक्वास सॉल्यूबल पोर्शन है उसको एक्वास उसको एक्वासॉल है, एक्वासॉल मतलब जो है एक्वास में सॉल है उसको हम लोग साइटोसॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइटोसॉल। साइटोसॉल हो गया एक तो, दूसरा हो गया उसमें कुछ सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है तो सॉल्युबल के लिए तो नहीं रहे कुछ सिरप छोड़कर के बाकी कोई चीज में तुम लोग देखे हो जो कभी कभी कोई सिरप होता है, सिरप तो सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन उसको क्या बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, वो सस्पेंडेड रहता है, सस्पेंडेड मतलब वो घूमता नहीं है, वो रात्रि से क्या होता है रात्रि से बोतल में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं हाँ? बोतल में जो है हाँ? वो बोतल में क्या देखते हैं हम लोग नीचे कुछ ग्राउंड सब्सटेंस आ गया ऊपर से सॉल्व, उसको यूज करने के टाइम में मिक्सिंग करना पड़ता है, वो तब जो है ना ये पोर्शन जो है ये सॉल्यूशन में सस्पेंडेड हो जाती है मतलब टाइम में लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलोइड। ये कारण हो गया सॉल्यूशन हमारे बन गया, वो हो गया सॉल्यूशन, ये चीज जो है अलग 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 हो गया, ये चीज अलग हो गया, जो भुलाते हैं जब मिक्सिंग करते हैं इस तरह का सब्सटेंस बन जाता है, ये हो गया कोलोइड। कोलोइड का मतलब समझ गया तुम लोग, ये तो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूट में सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट जो है बिल्कुल घुल गया, घुल के जो है सिरप बन गया सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, और सस्पेंशन हो गया कोलाइड। कोलाइड में क्या हो जाता है इसमें एक्वास पोर्शन में सस्पेंडेड रहता है, वो तैरते रहता है, वो रात्रि से स्थिर हो जाता है, अगर घुलाते हैं तो उसमें मिल करके जो है ना सस्पेंशन होता है, पूरा भी उसमें डिसॉल्व नहीं होती है, डिजॉल्व हो गई तो वो सॉल्यूशन बन गई, अगर डिजॉल्व नहीं हुई वो अगर सस्पेंशन फॉर्म में है यदि सस्पेंशन, अगर सस्पेंडेड फॉर्म में है यदि सस्पेंशन। तो इसमें दोनों सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में दोनों ही चीज होता है, एक्वास सॉल्यूशन भी होता है दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल, और जो सॉल्यूशन के रूप में नहीं होते हैं सस्पेंशन के रूप में होते हैं उसको साथ में कोलोइड बोलते हैं। ओके कारण चलेंगे मुझे
तो ये ग्राउंड सब्सटेंस को यहाँ पर कोलोइड फॉर्म में इसको आप लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। एक तो हो गया सॉल्यूशन साइटोसॉल और ये हो गया कोलोइड फॉर्म में होता है मैट्रिक्स। सेल ऑर्गेनिज्म गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी एपरेटस जो है ये भी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनिज है, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन से घिरी हुई है और क्या है ये प्रेजेंट इन एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट रहते हैं। इसी का एक सब यूनिट होता है, इसी का एक सब यूनिट होता है जिसको डिक्योजोम बोलते हैं। वो डिक्योजोम काम देता है, वो डिक्योजोम जो है डिक्योजोम ये गॉल्जी एपरेटस का एक सब यूनिट है। ये जो है गॉल्जी एपरेटस का सब यूनिट का नाम है डिक्योजोम प्रेजेंट इन, इसको याद रखें। ट्रांसफर एनिमल सेल में गॉल्जी एपरेटस मिल गया, गॉल्जी एपरेटस जो है प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स और डिक्योजोम जो होता है सब यूनिट ऑफ गॉल्जी एपरेटस प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में मिलता है। एसिडिटी कहां नहीं आता है, याद रखना है सब चीज। बैक्टीरिया में नहीं मिलता है, ध्रुव आदि में नहीं मिलता है, और बैचियो पास एंड रेड ब्लड सेल। मैमल्स में और दूसरे एनिमल में जिसमें स्पर्म होता है या रेड ब्लड सेल्स है उसमें गॉल्जी एपरेटस एब्सेंट है। बैक्टीरिया में एब्सेंट है, ग्लूकोज में एब्सेंट है,
मैच्योर स्पर्म में आरबीसी में मैमेट्स का और आधा सेंटीमीटर का उसमें एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट है, ये याद रखना है एब्सेंट। एनिमल सेल में ये सेल ऑर्गेनिक एनिमल सेल में मिलता है। प्लांट सेल में इसी का एक सब यूनिट है डीक्यू जो हम बोलते हैं वो मिलता है, इसी का अलग नाम होता है प्लांट सेल। एब्सेंट है बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ग्लूबुलिन में ग्लूबुलिन एल्गी में एब्सेंट होता है, मैच्योर स्पर्म सेल में और रेड ब्लड सेल सब मैमल्स एंड अदर एनिमल्स में ये नहीं मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? गोल्गी एपरेटस का फंक्शन पहले जो है लोग जानो इसका आकार कैसे होता है, किस किस रूप में रहता है। इसमें क्या रहता है इसमें क्या क्या चीजा रहता है? वेसिकल, वैक्यूल्स,